यशोमति मैया के नंदलाला। वृंदा देवी, यमुना देवी, देवी गंगा, आप तीनों क्या इस समय? आपने तो गौचारण के लिए आना ही छोड़ दिया है प्रभु। हम सबको आपकी स्मृति बहुत सताती है। वृक्ष, वनस्पतियाँ, फूल, फल, पत्ते सभी आपको स्मरण करते हैं गोपाल। आप फिर से वन आना आरंभ कर दीजिए श्री कृष्ण, हमें अपने दर्शनों से वंचित मत कीजिए। आपने तो मुझे वचन भी दिया था ना प्रभु कि मैं आपके लीलाओं की साक्षी बनूंगी, फिर मुझसे ये सौभाग्य क्यों छिन गया? आजकल क्यों नहीं आ रहे हैं आप वन? जाएंगी। वैसे भी उन्हें आज अच्छी नींद नहीं आ रही है। पर एक बार तो कह दीजिए प्रभु, आप फिर से आना आरंभ कर देंगे। अपनी लीलाओं के लिए, अपने दर्शनों के लिए हमसे अनंत प्रतीक्षा नहीं करवाएंगे आप? मैं अवश्य आऊंगा। कृपया अभी आप सब जाइए, मैया जागने वाली है। जी, कब तक अपनी मैया का पल्लू थामे रहेगा? नाना, मैं इसके विकास में बाधा ना बनूंगी। कल से ही इसे गौचारण के लिए भेजूंगी मैं। मैं तो कहता हूं इससे उत्तम मूल्य यहां तो क्या पूरे मथुरा में नहीं मिलेगा। सुबह सुबह का समय है, व्यापार कर लो मेरे साथ। व्यापारी जी, हमें मथुरा के व्यापारी पे भरोसा ना है, तो हमें तो क्षमा करो। बड़ा आयो हमसे व्यापार करने वाला है। मेरे साथ व्यापार ही नहीं किया मूर्खों ने, उन्हें पता ही नहीं मैं मथुरा का जाना माना सेठ हूँ। ऐसे ही थोड़ी ना पूरा जनपद मुझे धनिया सेठ के नाम से जानता है। धनिया सेठ? तुझे कछु चाहिए ना? एक बार सोच ले काना। ओ मैया, सुबह उठते ही तो आपने मुझे दूध दिया था, फिर जलपान में लड्डू, फिर माखन भी तू खिलाया था, और ये फल कछु ना चाहिए अब मुझे? एक बार फिर से सोच ले काना, आज तू जो मांगेगो ना मैया देगी, और मैं कोई प्रश्न भी ना पूछूंगी। मेरी प्यारी मैया, आप तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दीजिए। अच्छा अच्छा, मेरो प्यारो लल्ला, मेरो प्यारे लल्ला। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। नटखट, मैया की नकल उतार तो है। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे। मेरी मैया बहुत अच्छी है, सब कुछ देती है मुझे।
मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए। मुझे मैया से बहुत सारा लाड़ दुलार चाहिए और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए। और बहुत सारा प्रेम भी चाहिए और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। और बन जाने की आज्ञा भी चाहिए। ठीक है तो दे दी। सच्ची मैया? काना चलो ना। चल रुक 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 रुक, अभी आई। अब जा। आज तो जाना ही पड़ेगा। कंस मामा ने अतिथि जो भेजा है वृंदावन में। अरे व्यापारी जी फिर आ गए तुम? हाँ, हमने तुमसे कहा हमें तुम्हारे साथ व्यापार ना करनो है तो फिर ना करनो है। बार बार आप स्वयं भी तंग हो रहे हो और हमें भी तंग कर रहे हो। आपको चाहिए क्या बताओगे? नंद भवन। हाँ? नंद भवन? बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि नंद भवन कहाँ है। सोचा इस गांव में आया हूँ तो नंदराज से मिल लूँ। अच्छा अच्छा, तो तुम फिर सीधे जाओ और सीधे जाके उल्टे मुड़ जाना और फिर आगे से दाहिने दिशा में मुड़ जाना। जहाँ मार्ग समाप्त होगो वहीं सामने मिल जाएगा तुम्हें नंद भवन। अच्छा अच्छा, धन्यवाद। सुनो, पर इस समय नंद जी घर पे ना है? मुझे तो उनके प्यारे पुत्र से मिलना है। लल्ला से भला क्यों मिलना है? सच्ची सच्ची बताओ, कौन हो तुम? सच बताऊं? हाँ बताओ। हम वृंदावन वाले हैं। ना तो असत्य बोलना प्रिय है ना सुनना। कछु तो गड़बड़ है तुम्हारे व्यवहार में। स्वयं बताओगे या हम बुलवाएं? अब सत्य ही सुनना चाहते हो तो सुन लो, मैं हूं मायावी छलिया। छलिया और तुम? तनिक अपना मुख तो देखो, छलिया ऐसा दिखतो है का? तो कैसो दिखतो है? जैसो भी दिखतो है लेकिन ऐसो ना दिखतो। भानु, मैंने एक बात शुरू है कि चलते बीच मार्ग में अगर कोई छलिया मिल जाए तो उसे पीछे पलट के ना देखनो चाहिए। ना तो छलिया के जाल में फंसने में क्षण भर भी समय ना लगतो है। सही सुना। अब पीछे से तुम दोनों का नाम पुकारूं तो मुड़ना मत। चल बंसी चल, नहीं तो ये छलिया जी हंसा हंसा के प्राण निकाल देगो। भानु, बंसी।
रूप स्वरूप में तो ये थोड़ा ठीक ठाक है। ये तो गाँव की ओर जा रहा है, गाँव वालों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। अरे शीघ्र करो, तुम सबके कारण पहले ही विलंब हो गए है आज। हाँ मैं भी यही सोच रही थी, कहीं खाना गोचारण के लिए न चला गए हो। नाना मौसी ऐसा ना बोलो, हाँ तो फिर किसी दिन किसी कार्य में मन न लगेगो। आप सब तो बातों में ही समय निकालो, मैं तो चली खाना को निहारूंगी, तभी शांति मिलेगी हृदय को। अरे ठहरो, हम सब भी चल रहे हैं। गो गाइस। इस गोपी का रूप धारण करके मैं भी निहारता हूं इसके कान्हा को। कान्हा कहाँ गया? जानकी, ये तो कान्हा की मुरली की धुन है। विलंब हो गयो है, वो तो वन में पहुंच भी गयो। बस करो मौसी, सुनने दो ना, कितनी मीठी धुन बजा रहे हो कान्हा।
ये तो स्वयं ही मुझे बुला रहा है, अपना पता बता रहा है। अब तो इसके आखेट में और भी अधिक आनंद आएगा। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो काना। हाय, कितना सुरीला बजाता है। अवश्य ही एक पाव पे तन के पूरे आत्मविश्वास के साथ त्रिभंग मुद्रा में मुरली बजा रहे होगो काना। यहाँ तो सभी बालक एक पाव पर खड़े हैं, तो फिर इनमें से कृष्ण कौन है? अद्भुत प्रभु, जो छलिया सारे संसार को अपने छलावे में फंसाता है, आज आपने उसे ही फंसा दिया। इन सब में से कौन है महाराज कंस का शत्रु, विष्णु का अवतार? कैसे पहचानूं मैं उस कृष्ण को? प्रभु की धुन है ही इतनी मीठी, इतनी कर्णप्रिय कि असुर तो क्या, सारी सृष्टि ही यहां आकर थम जाए। कहीं ये तो नहीं है वो मेरा शिकार विष्णु अवतार?